स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2021 के बारे में, और ये खबर तमिलनाडु से है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी खबर है, आप इस न्यूज़ को पूरा देखिएगा और वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखो, तमिलनाडु में नीट ख़त्म करें कई संगठन, ठीक है। तो तमिलनाडु में जो है वो नीट ख़त्म, यानी कि क्लास 12 के बेसिस पे प्रमोट करने को बोला जा रहा है, और वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप लोग नीट ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। परीक्षा रद्द करने की मांग के लिए कई संगठनों ने नीट के प्रभाव का आकलन करने की समीक्षा करने अपने सुझाव भेजा है, ठीक है। उच्च शिक्षा बोर्ड आंदोलन के राज्य जो डॉक्टर आर मुरली ने कहा कि शहरों क्षेत्रों और गांवों के शहरों के बीच असमानता के कारण एक आम परीक्षा लेना सामाजिक न्याय और नियमों के खिलाफ है। फिर वहां पे उन्होंने ये बताया कि जब बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं तो 11th और 12th में प्राप्त अंकों के नीट में महत्व देता है। उनका मतलब कहना यह है कि नीट में जो है वो क्लास 11th और 12th का भी जो रिज़ल्ट है उसी के बेसिस पे MBBS सीट वगैरह दे दिया जाए। और उनका ये भी कहना है कि नीट में 10th और 12th के मार्क्स को जो है वो महत्व दिया जाए, ये केवल नीट के आधार पर प्रदेश देता है। यह मेहनत छात्रों को अवसर से वंचित करता है। सरकार छात्रों के लिए 7.5 कोटा सामाजिक न्याय नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों से उच्च शिक्षा अधिकारी से वंचित करने की कोशिश कर रहा है, इसे खत्म कर देना चाहिए। और फिर यहाँ पे उन्होंने एक आर्टिकल का जिक्र किया जिसमें ये लिखा हुआ, अनुच्छेद 2021 के तहत जीवन के अधिकार में छात्र जीवन के अधिकार शामिल है। किसी भी छात्र पर देहरी तैयारी का बोझ नहीं डाला जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को नीट और अन्य परीक्षाओं को ख़त्म करने का विश्लेषण करना चाहिए, ठीक है। तो उनका कहना यही है कि जो नीट 2021 है और जितने भी बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं उस पे क्लास 11th और 12th के मार्क्स का जो है वो उसको वैल्यू दिया जाए, ना कि फिर से एग्ज़ाम में मतलब प्रिपरेशन करवा करके छात्रों के ऊपर दोहरी बोझ डाला जाए, जहाँ पे उन्होंने एक आर्टिकल का भी जिक्र किया है। राष्ट्र बचाओ आंदोलन में कहा कि नीट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21 और 20A के तहत दिए गए अधिकारियों के खिलाफ है आंदोलन। तो यहाँ पे उन्होंने फिर आर्टिकल का जिक्र किया है। और जैसा कि आपको पता होगा कि नीट में जो है वो क्लास 10th और 12th के मार्क्स के मतलब उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, सिर्फ आपको 50% से ऊपर रहना चाहिए तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके कितने परसेंटेज है उससे कोई मतलब नहीं है नीट 2021 में। तो इसी पे ये एक न्यूज़ थी, उन्होंने क्लास 11th और 12th के बेसिस पे नंबर देने को बोला है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।